Now be part of exercise 3.3 question 6. Same as it, you have to write here the digit so that this number may be divisible by 11. Clear? So so let the missing digit is, missing digit ko humne kya assume kar liya, that is x. Isko x assume kar liya. So ab hamara divisibility rule 11 ka kya hota hai? Odd, even, odd, even, odd, even. Missing ko humne x assume kiya hua hai. So let the find the sum of digits. So odd places mein hamare digits kya hai? X, 4, 4. X plus 4 plus 4 क्या बन गया X plus 8 clear या 8 plus 6 even places पर digits क्या है 8 9 8 plus 9 plus 8 तो क्या बन गया ये 8 and 9 16 8 and 9 17 17 plus 8 that is 25 clear अब इन दोनों में से even और odd में से कौन सा sum बड़ा है even बड़ा है ना क्योंकि x की जगह हम क्या बड़े से बड़ा डिजिट क्या लगा सकते हैं सिर्फ 9 9 plus 8 17 बनता है तो 17 तो इससे क्या है छोटा है ना सो अब उसके बाद हम क्या लेंगे डिफरेंस माइनस करते हैं बड़े सम में से छोटा सा माइनस कर दिया 25 माइनस ओड प्लेसेस में दो टर्म्स हैं उसको हम क्या रखते होते हैं ब्रैकेट में क्लियर तो अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहां पे दो डिजिट है दो टर्म्स हैं तो इसलिए जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों के साइन चेंज होंगे ये प्लस का एक्स क्या बन जाएगा माइनस का ये भी प्लस का क्या बन जाएगा माइनस का ये क्लियर ब्रैकेट ओपन करने पर जो अंदर टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव बन जाती है नेगेटिव वाली पॉजिटिव बन जाती है सो बोथ आर पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होगी अब 25 माइनस 8 कितना बन गया 17 17 माइनस एक्स अब यहां पे क्या है 17 में हम क्या माइनस करें कि हमारा जो आंसर है जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल हो जाए तो 17 से छोटा कौन सा नंबर है जो 11 के टेबल में आता है दैट इज 11 तो मींस हम x की जगह क्या पुट करें x की जगह मान लो हमने 2 पुट किया 17 माइनस 2 कितना बना 15 सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11 ये 11 से डिविजिबल नहीं है फिर हम x की जगह क्या पुट करते हैं 6 17 माइनस 6 कितना बना ये हमारा 11 डिविजिबल बाय 11 सो इसका मतलब हम x की जगह क्या पुट करेंगे 6 सो द रिक्वायर्ड नंबर इज हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा 8 और यहां पे मिसिंग वाली क्या आ जाएगी 6 9 4 8 4 दिस इज आवर आंसर क्लियर